वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब में फिर से आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल मस्ती में फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ जो आपको यहाँ पे जो बटन है मस्ती लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे, काम का लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो बताइएगा भी, मैं उस पर वो वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ है तो बहुत छोटा ही सिंपल सा चीज़। बहुत सारे आप में से वो चीज़ के बारे में जानकारी रखते होंगे और बहुत कुछ जानकारी नहीं भी होगी। बहुत से ऐसे होंगे जिनको जानकारी तो है लेकिन वो कभी यूज नहीं करते होंगे, केवल जानकारी है। ये आप यूज कीजिए, लगातार यूज कीजिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। आपने अभी तो रैनसम वेयर के बारे में जाना ही होगा, सुना ही होगा, जिसके तहत वो आपके फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर पैसे मांगता है। बिटकॉइन में पैसे दीजिए तो आपके फाइलों को रिकवरी देंगे, नहीं तो आपके फाइल गए। तो रैनसम वेयर अभी लेटेस्ट कुछ सालों में आया है, उसके पहले जो है एडवेयर आया। एडवेयर के बाद का स्टेप जो है रैनसम वेयर है। एडवेयर में ही आपकी जो है जासूसी शुरू हुई थी, आपको एडवर्टाइज देने के लिए आप क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का चीज़ पसंद करते हैं, ये चीज़ों की जानकारी एडवेयर लेता है। उसके अनुसार आपको साइटों पे ऐड मिलते हैं, आपके कंप्यूटर पे तरह तरह के ऐड आते हैं। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप कोई साइट खोलते हैं, कोई ऐड दाएँ से निकल रहा है, कोई बाएँ से निकल रहा है, कोई नीचे से निकल रहा है, कोई ऊपर से टपक रहा है, ये चीज़ें आती रहती है। तो ऐड्स जो है दो तरह के होते हैं, एक टारगेटेड होता है, एक नॉन टारगेटेड होता है। टारगेटेड एड्स जो है जनरली आपको यूट्यूब या फेसबुक इस चीज़ों पर मिलेगा, और नॉन टारगेटेड तो कहीं भी कोई भी साइट खोलिए। नॉन टारगेटेड में हो गया कि आप कोई भी साइट खोलते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको, जैसे मान लिया शॉपिंग का साइट खोलते तो उसको शॉपिंग से रिलेटेड आपको एड्स आते रहेंगे, फोन साइट खोलते तो फोन से रिलेटेड आते रहेंगे, फ्रेंडशिप साइट खोलते तो फ्रेंडशिप वाले ऐड आएंगे, इस तरीके से आते हैं। लेकिन टारगेटेड एड्स क्या होती है, आप साइट कोई भी खोलिए आपको एड्स वही आएंगे जो एक पे आ रहा है वही साइड दूसरे पर भी आएंगे। फेसबुक इस तरीका का यूज करता है। आप गौर किए होंगे कि आप जिन शॉपिंग साइटों को खोला, जिन साइटों पे जो प्रोडक्ट के बारे में देखा, फेसबुक में वही सारे एड्स आपको आते हैं, उसी चीज़ों के, उसी प्रोडक्ट के अलग अलग वेराइटी के बारे में एड्स आते हैं। सोचिए फेसबुक को कैसे पता चला कि आप ये चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। तो ये टारगेटेड एड्स जो है आपकी वो जासूसी करके बनाता है। दरअसल जब भी आप फेसबुक में लॉगिन रहते हैं और उस दौरान अगर आप कोई दूसरी काम कर रहे हैं तो फेसबुक के कुकीज़ वगैरह जो है आपका उसको एनालाइज करता रहता है कि आप किस मूड के हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, कुछ खरीदना है, बेचना है, फ्रेंडशिप चाहिए, क्या चाहिए, इस तरीके की चीज़ वो एनालाइज करता रहता है और किसी न किसी को भेजता रहता है जो उसके एड्स को बिकवाने में मदद करते हैं। उसी अनुसार वो ऐड आपको देते हैं और आप उसको देखते हैं। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ऐड आए तो ठीक है, एक दो ऐड आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो एनवाइन होता है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऑफिस में मान लिया आप कोई चीज़ चेक कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, मेल ही चेक कर रहे हो, या कोई सोशल साइट पे ही हो या कोई शॉपिंग साइट पे ही हो, आपको ऐसे ऐसे ऐड आने लगेंगे जिनको देख के आप शर्मिंदा हो जाएंगे। उस तरह अगर मान लिया ऑफिस में है कोई लेडी है, अगर देख ली तो फिर आप तो देख पूछ रहे हैं, वो समझेगी कुछ, इस तरीके की चीज़ें आती रहती। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत सी तरीके हैं, उसी में से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज, तो आपको फ़ायदा करेगा। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऐड आते हैं। देखिए मैं ई रेल की एक साइट खोल रहा हूँ, इस पर जो है रेलवे के ट्रेन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं मिलती है कि इसमें कितनी सीटें खाली है, जनरली बहुत लोग यूज करते हैं। तो देखिए ई रेल की साइट मैं खोलता हूँ, इसमें क्या होता है। erail.in जो है ई रेल की साइट है, वो भी गवर्नमेंट की साइट है, कोई इधर उधर की साइट नहीं है। अब देखिए इस पर एड्स कितने आ रहे हैं। पहला ऐड ये देखिए आपका गूगल क्लाउड का है, ये एडवर्टाइज है, यहाँ आ रहा है। दूसरा ऐड भी ये गूगल क्लाउड का है, यहाँ आ रहा है। तीसरा ऐड ये देखिए IRCTC की है,
ठीक है। खैर IRCTC की साइट है यार, IRCTC की ऐड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 139 पे ये करके बुकिंग वगैरह का ये चलेगा। नीचे देखिए ये मंत्रा कपड़े खरीदना है उसकी एडवर्टाइज आ रही है। ये एक पेज में आपको ये चार एडवर्टाइज पेजेज हैं, ठीक है, चार ब्लॉक्स हैं जिसमें एडवर्टाइज आ रही है। इसी में कभी कभी आपको बहुत ही भयानक भयानक एड्स भी मिलेंगे, गेम खेलिए, ये कीजिए, वो कीजिए, दोस्ती कीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ पार्टनर मिलेगा, ये है। ये चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करिए, ये मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, आपको क्रोम में भी फंक्शन है। तो फायरफॉक्स में राइट साइड ये जो तीन लाइन है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एड ऑन्स है, एड ऑन्स पे क्लिक कीजिए। एड ऑन्स क्लिक करने के बाद आपके ब्राउजर में लेफ्ट साइड में ये तीन चार पैनल है, गेट एड ऑन्स, एक्सटेंशन, अपीयरेंस, प्लगइन, सर्विसेज। तो ये एक्सटेंशन में सेकंड ऑप्शन जो है इस एक्सटेंशन में आ जाता है। यहाँ देखिए ये जो भी आप एड ऑन्स इंस्टॉल किए हुए वो यहाँ दिखाएंगे। मेरे में ये पांच इंस्टॉल हैं जिसमें से एक डिजेबल है, बाकी सब इनेबल हैं। यहाँ आप सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए एड ब्लॉक, एड ब्लॉक लिखने के बाद ये सर्च किया, ये देखिए एड ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे आपके आ गए हैं। इसी ऊपर दो टैब है, अवेलेबल और माई एड ऑन्स। तो माई एड ऑन्स में रहेगा तो जो आपका जो है वो रह जाएगा, तो ये अवेलेबल वाले में क्लिक होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, माई एड ऑन्स में जो आपका इंस्टॉल है वही आएगा। अब यहाँ से आप किसी को भी इंस्टॉल कर लीजिए, सारा का सारा वही है, एड ब्लॉक है, जैसा का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, किसी को भी इंस्टॉल कीजिए। तो मैं जनरली यूज करता हूँ इनमें से ये एड ब्लॉक की जगह यू ब्लॉक ये मैंने टाइप किया, ये सर्च किया, ये भी एड ब्लॉक किया। ये सबसे पहला जो है आपका यू ब्लॉक ओरिजिन, ये मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ये अभी करेंट है। देखिए 20 जून 2017 से ये क्या, ये अभी बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो आप यूज कर रहे हैं वही दो महीने बाद, चार महीने बाद, साल भर बाद, दो साल बाद वही यूज करें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस समय अच्छा काम करता रहा है, जिससे फ़ायदे हो वो आप यूज कीजिए। यही प्लगइन्स जो है बाद में जाके जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पेड वर्जन भी हो जाते हैं, पेड हो जाते हैं, जिनमें आपको फिर पैसे लेके ही उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी इसमें और जनरली मैंने देखा है कि आप अगर शुरू से उसके लॉन्च होने के टाइम से उसको यूज कर रहे हों, फ्री में यूज कर रहे हों और बाद में वो पेड भी हो गया तो आपको फ्री में ही देता रहता है, ये एक और बेनिफिट है। तो ये यू इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो गया, अरे इंस्टॉल भी हो गया। अब देखिए इसमें आप इंस्टॉलेशन में आते हैं तो आपको ये दिखाएगा इंस्टॉल हुआ, ये देखिए ये इंस्टॉल्ड है। और यहाँ देखिए इसका जो है ये सिंबल आ चुका है, ये देखिए ये सिंबल जो है आ चुका है, ये बड़ा सा पावर बटन है, नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है, कितने एड ब्लॉक हुए ये सारी चीज़ें आपको दे रही है। अब देखिए इसी IRCTC के साइट पर ये सारे एड्स गायब हो गए। एक बार इसको रिफ्रेश करके फिर से दिखाता हूँ, देखिए इस सारे के सारे एड्स, ये यहाँ भी एड्स था, यहाँ भी एड्स था, यहाँ भी एड्स था, ये सारे के सारे गायब हो गए। यहाँ देखिए काउंटिंग ये 7 दिखा रहा है, यानी इसने 7 इस पेज के 7 एड्स जो है ब्लॉक किया है। इस पर क्लिक कीजिए, ये आपको यहाँ टोटल डिटेल दिखा देगा। तो इस तरीका से आएंगे। एक चीज़ और है कि मान लिया किसी पेज पर एड्स आप चाहते हैं, टोटल आप ब्लॉक चाहते हैं, लेकिन किसी एक साइट पे आप एड्स चाहते हैं क्योंकि उस साइट पे जो है बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड एड्स चाहते हैं जो कि आपके बेनिफिट के हैं, आपको उन चीज़ों से काम पड़ती रहती है, तो उस पर्टिकुलर साइट का एड आप इनेबल भी कर सकते हैं। इस पर ये जो यू ब्लॉक का जो है इसमें जो सबसे ऊपर जो पावर बटन है इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये डिजेबल हो गया। ये डिजेबल परमानेंट डिजेबल नहीं है, ये केवल जो है जिस पेज पे आपने क्लिक किया केवल उसी पे आपको डिजेबल होगा। जैसे मैंने ईरेल के साइट पे किया है तो केवल ईरेल के डिजेबल किया है, यानी केवल ईरेल पर ऐड को आने देगा, बाकी पर ऐड को आने नहीं देगा। ये देखिए एड्स यहाँ आ गए, सब इस बार देखिए एकदम सेपरेट सेपरेट अलग अलग ऐड आए हैं। पिछला बार गूगल क्लाउड का था लेकिन इस बार जो है ये विस्टा प्रिंट का है, ये डेल का है, ये ICICI का है, अलग अलग एड्स हैं। केवल उसी पर्टिकुलर आप दूसरे पर का कीजिएगा तो देखिए दूसरा पेज पे मैं कोई दूसरा पेज में खोलता हूँ तो उस पेज में जैसे मैं इसी में जो है फेसबुक खोलता हूँ,
देखिए ये यहाँ इनेबल का सिंबल है, लेकिन ये ईरियल पे ये डिजेबल का सिंबल है, यानी जिस पे आप ब्लॉक कीजिए उसको डिजेबल कीजिए, केवल उसी पे डिजेबल रहेगा, बाकी पे आपका इनेबल रहेगा। यही चीज़ अगर आपको गूगल क्रोम में करनी हो तो उसमें भी कर सकते हैं। या देखिए गूगल क्रोम को मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ये राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे ये जो तीन पॉइंट है डॉट है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग है, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग ये खुल गया आपका। सेटिंग में लेफ्ट साइड में देखिए सेटिंग के जस्ट ऊपर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए तो आपको इसमें जो भी इंस्टॉल किया हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ भी आप सर्च कीजिए, सर्च करने के लिए आपको नीचे गेट मोर एक्सटेंशन है, ये जो है गेट मोर एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका नया पेज खुल रहा है, इसमें आपको यहाँ आप कोई भी एड ब्लॉक सर्च कर सकते हैं। यू ब्लॉक ये देखिए, ये रहा यू ब्लॉक ओरिजिन जो उसमें हमने ऐड किया था रेमंड हिल ग्रोथ, इसे हम इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये शील्ड का रेड शील्ड का सिंबल है, इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये चेक करके ये ऐड एक्सटेंशन का आया, ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, ये आपका यहाँ इंस्टॉल हो गया। ये सेम टू सेम चीज देखिए आ चुका है, तो इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो आपका क्रोम का हो गया। अब आप मान लिया ओपेरा के फैन हैं, ओपेरा में भी कुछ अलग फंक्शन है, सभी ब्राउजर में अलग अलग फंक्शन है, आपका फायरफॉक्स का अलग है, क्रोम का अलग है, ओपेरा का अलग है। ओपेरा के जरिए अगर आप यूज करते हैं तो ओपेरा में यहाँ मीनू पे ऊपर क्लिक कीजिए, मीनू के नीचे आपको यहाँ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से मैनेज एक्सटेंशन, गेट एक्सटेंशन सभी है। ये साइड बार ये नया लॉन्च किया, ये जो साइड में है आपको ये व्हाट्सएप है, मैसेंजर, ये सब नया इसमें आया है। तो ये एक्सटेंशन पे क्लिक करके गेट एक्सटेंशन क्लिक कीजिए, ये देखिए खुला। इसमें आप यहाँ सर्च कीजिए, यू ब्लॉक था, यू ब्लॉक यहाँ मैंने सर्च किया। यू ब्लॉक सर्च करने के बाद ये देखिए यू ब्लॉक ओरिजिन आ गया। यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड टू ओपेरा कीजिए और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इस तरीका से आप इसको किसी में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही सारी इसमें फैसिलिटी है, प्राइवेसी वगैरह भी आपका सिक्योर रखता है। यूज कीजिए इसे, बहुत ही अच्छा यूज करता है। इससे क्या होगा कि आप सूचनाएं लीक नहीं होगी, प्राइवेसी भंग नहीं होगी, उल्टे सीधे एड्स आपको नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ जब आपकी सूचनाएं मिस नहीं होगी, कहीं इधर से उधर नहीं जाएगी तो रैंसमवेयर का भी अटैक नहीं होगा। एडवेयर को बहुत ही कम जो है एंटीवायरस ब्लॉक कर पाते हैं, मैक्सिमम जो ब्लैक नहीं कर पाते हैं, और साइटों पर जो ऐड आते हैं उनको तो कोई एंटीवायरस ब्लॉक नहीं करता, एडवेयर को ब्लॉक कर पाता है। एडवेयर का मतलब हो गया जो आपकी जासूसी करके भेजता है, लेकिन एड्स जो आ रहे हैं उनको कोई भी एंटीवायरस ब्लॉक नहीं करता, वो सारे एड्स आपको वैसे ही वैसे नजर आते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको उन एड्स से छुटकारा दिलाएगा, यूज कीजिए। और भी किसी चीज़ की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।